आप सबसे बड़े प्लेनेट हो, आप चले गए, डर गए। अरे साइकिल का अरे घर क्यों जा रहे हो, हमें एक पोएम तो सुना जाओ। अर्थ है, अच्छा अच्छा नाम बता दो अपने अपने। निहाल। अमान। पीयूष। कौन कौन सी क्लास में आप सर? ट्वेल्थ। टेंथ। सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं। सूर्यमंडल। क्या नाम है आपका? कृष्ण कांत। अच्छा, क्या कहते हैं सोलर सिस्टम? सूर्यमंडल। सूर्यमंडल। सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? नियरेस्ट प्लेनेट मरकरी। मरकरी। और सबसे दूर कौन सा है? वो ऐसे खड़े हो जाओ यार, डरो। यूरेनस। यूरेनस। सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? सबसे गर्म वीनस। वीनस। और सबसे ठंडा? सबसे ठंडा यूरेनस। यूरेनस। किसके सबसे ज्यादा मून है? विच प्लेनेट? सैटर्न। जुपिटर। जुपिटर। कितने, किसी को आइडिया है? 21 शायद थे, पता 21। पता नहीं। पता? अच्छा, आपको सारे प्लेनेट्स के नाम पता है? पता है। लाइन से बताना है कितने प्लेनेट हैं और लाइन से बताना है। 8। ठीक है, नाम बताओ। मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और फिर तो वे अच्छे हो गए ना, फिर लास्ट का तो ये ना सर, पीस करो एकदम। हाँ, नेपच्यून। आप बता दो। चलो बता तो दिया। लाइन से बताओ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस। अच्छा, आपको ये पता है कि अभी बहुत गर्मी है, इस गर्मी का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? कोई ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है? ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और मतलब व्हीकल्स और मीथेन गैस की वजह। मीथेन गैस की वजह। सीएफसीज की वजह से। सीएफसी सबसे ज्यादा कहां से रिलीज होती है? हाँ, एसी में से होता है, फ्रिजेस में से होता है, हीटर से भी होता है। तो आपके हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या सबसे अच्छा सॉल्यूशन? ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है। आपको यही है? और यार इधर आओ ना, देखो वहाँ दिख ही नहीं रहोगे आप बार बार। ऑड इवन वाला रूल लगा देना चाहिए। ठीक है। और एसी का यूज थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है। और फ्रिज का यूज थोड़ा कम करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बता दो। मोहम्मद आयश अहमद। और आपका क्या नाम है? अरहान। और आप दोनों 6th क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रजा। अच्छा, चलो हम आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बेसिक। आप लोगों को ये मालूम है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट? इधर आओ आगे। अच्छा, आप सबसे बड़े प्लेनेट हो? अरे आप तो चले गए, डर गए। अरे साइकिल का अरे घर क्यों जा रहे हो, हमें एक पोएम तो सुना जाओ। अर्थ है। अच्छा, और सूरज के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? सूरज के? मार्स। अच्छा, आपको ये मालूम है हमारा नेशनल एंथम क्या है? जनगणमन। इसको लिखा किसने? महात्मा गांधी। टैगोर ने। इधर देख के बताओ आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? राष्ट्रीय गीत। क्या है बताओ? जनगणमन तो नेशनल एंथम है। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। पीकॉक। और फिर राष्ट्रीय नेशनल बर्ड कौन सी है? बर्ड तो पीकॉक। अच्छा, नेशनल वेजिटेबल मालूम है आप में से किसी को? पीकॉक। मैंगो। वेजिटेबल, फ्रूट नहीं। पोटैटो। मैंगो। अच्छा, आपको ये मालूम है कि सबसे बड़ा मैमल कौन सा है अर्थ पूरे अर्थ पे? पूरे अर्थ पे। हाँ, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? मैमल समझते हैं? अच्छा, कौन सा जानवर है सबसे बड़ा जानवर? एलिफेंट। अच्छा, आपको ये मालूम है कि हमारा नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? नेशनल ट्री मालूम है? नेशनल ट्री।
चलो कोई नहीं। मोहम्मद अयान मलिक। अच्छा, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल में। आपको मालूम है सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सोलर सिस्टम में हिंदी में नहीं पता। अच्छा, जिससे सूरज की किरणें पड़ती है उससे लाइट आती है। अच्छा, और आपको मालूम है हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? सबसे छोटा अर्थ है। अच्छा, और सबसे बड़ा? सबसे बड़ा क्या कहते हैं यार उसे, यार? अरे अब बता तो जाओ यार, सबसे गरम कौन सा? अच्छा, हॉटेस्ट। सबसे गरम मरकरी। और सबसे ठंडा? सबसे ठंडा अर्थ ही है। अर्थ है। और सबसे ज्यादा चांद कौन से प्लेनेट के हैं? चांद, मून। जैसे धरती पे एक दिखता है ना? एक दिखता है। ऐसे ही बहुत सारे दिखते हैं। बहुत सारे दिखते हैं। वो तो दूसरी दुनिया हुई ना। दूसरा प्लेनेट है, वो कौन सा प्लेनेट है उसका नाम बताना है। अच्छा, सारे प्लेनेट के नाम बता दो मोहम्मद। सारे प्लेनेट, मरकरी, वीनस, वीनस अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और प्लूटो जो गिरा नहीं जाता। अच्छा, आपका क्या नाम है? इधर आ जाओ दोनों लोग। उमेर। उमेर, आपका क्या नाम है? अयान। आप दोनों कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेवंथ में हूं। मैं फिफ्थ में। आप फिफ्थ में हो? नहीं। अच्छा, आपको पता है सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम को अपने स्कूल की छत पर लगाते हैं। प्लेनेट। नहीं नहीं। अच्छा, आपको पता है सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सबसे बड़ा जुपिटर। जुपिटर। और मार्स, क्या बोलते हैं, सूरज के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? नियरेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी। हाँ, इधर आके उधर देख के बोलो। मर्क्यूरी। और सबसे दूर कौन सा है? नेप्ट्यून। नेप्ट्यून सही है। पक्का? सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है? सबसे ठंडा प्लेनेट नॉर्थ पोल। हाँ, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल तो अर्थ पे है ना, प्लेनेट कौन सा है सबसे ठंडा? नेप्ट्यून है। नेप्ट्यून। और सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? मार्स। मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी। 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 को नेशनल एंथम आता? हाँ, मेरे को। सबको आता है? आ जाओ तो ऐसे खड़े हो जाओ सब। आप इधर आ जाओ। चलो पकड़ो, माइक पकड़ लो, सुनाओ नेशनल एंथम। शुरू कर दो, ऐसे नहीं सीधे, कैसे खड़े होते हैं नेशनल एंथम में? जन मन मंगल भारत जाया है, भारत माँ के विधाता, पंजाब से गुजरात मराठा, रावण उछले बंगा, री चले माँ चले यमुना गंगा, उछले चले सीतारंगा, जब शुभ जादे जागे, जब शुभ जाके उजांगे, गाए सब शुभ जाता, जन मन मंगल भारत जया है, भारत माँ के विधाता, जया है, जया है, जया है, जया है, जया जया जया। थैंक यू सो मच।